Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अफ्रीका से आया बाओबाब का पेड़। दक्षिण मुंबई के गहन सुरक्षा वाले सैनिक क्षेत्र कुलाबा में अफ्रीकी मूल का एक ग्रुप नितांत खामोशी से रहता है। हैरानी की बात यह है कि ये ग्रुप यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहा है। आप इन्हें सिंधी यानी हफ्सी समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये इंसान ही नहीं है। ये दरअसल बाओबाब पेड़ की नस्लें हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय मुंबई में इनका क्या काम? इसके पहले कि हम इस बारे में कुछ बताएं, चलिए बात करते हैं इस पेड़ से जुड़ी कुछ रोचक किस्सों की। वनस्पति विज्ञान में इन विशाल पेड़ों को एंडसोनिया डिजिटा कहा जाता है। एंडसोनिया वंश के तहत इनकी 9 नस्लें होती हैं। एंडसोनिया नाम फ्रांस के मशहूर वनस्पति शास्त्री माइकल एंडोसन के नाम पर रखा गया है। एंडोसन ने ही 1750 में सेनेगल में बाओबाब की खोज की थी। इस पेड़ की 9 उपजातियों में से 6 का मेडागास्कर, 2 का अफ्रीका और 1 का ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। बाओबाब एक दिलचस्प पेड़ है जिसे लेकर कई मिथक और कहानियां हैं। इसे उल्टा पेड़ भी कहा जाता है। एक अरब कहानी के अनुसार एक बार इस पेड़ का सामना एक राक्षस से हो गया, जिसने इसे जमीन से उखाड़कर सिर के बल जमीन पर पटक दिया। इस उठा पटक में पेड़ का सिर नीचे और जड़ ऊपर हवा में रह गई। दरअसल पेड़ देखने में लगता है मानो उल्टा हो। इसका तना बहुत मोटा होता है, जिसमें से कई शाखाएं निकली होती हैं। अफ्रीकी मिथक में भी इसके उल्टे होने का उल्लेख है। इन मिथकों के अनुसार सभी जानवरों को एक पेड़ लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन लकड़बग्घे ने ये पेड़ उल्टा लगा दिया। इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उन स्थानों में भी अपने भीतर खूब पानी समा लेता है जहाँ पानी की कमी होती है। इसकी फलियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इनके पत्तों की सब्जियाँ बनती हैं और इनके बीजों को भूनकर खाया जाता है। इसके बीजों से तेल भी मिलता है। इसकी छाल से रस्सी भी बनाई जा सकती है। बाओबाब में मिलने वाले विटामिन सी की वजह से लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। सबसे पहले अरब और पुर्तगाली यात्री रक्त की बीमारी से बचने के लिए इसे समुद्र यात्रा में अपने साथ रखते थे। रक्त की ये बीमारी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है और सही उपचार ना होने पर मृत्यु भी हो सकती है। बाओबाब के फल में विटामिन सी संतरे की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होता है। यात्रा करने वाले व्यापारी और नाविक जहाँ भी जाते थे, जाने अनजाने इसके बीज गिरा दिया करते थे, जो समय के साथ विशाल पेड़ की शक्ल में उग जाया करते थे। भारत और मेडागास्कर तथा अफ्रीका में इसकी सिर्फ एक नस्ल पाई जाती है, जिसे एंडसोनिया डिजिटा कहते हैं। ये पेड़ पुरातत्वविदों के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं, क्योंकि पश्चिमी तट पर मध्ययुगीन स्थलों की खुदाई के दौरान ये अक्सर नजर आते हैं। इनके आसपास प्रारंभिक मध्यकालीन या पुर्तगाली अवशेष भी बिखरे देखे जा सकते हैं। अगर आपको लिव हिस्ट्री इंडिया का काम पसंद आता है तो अपने सहयोग से हमें प्रोत्साहित करें। कोई भी योगदान छोटा नहीं होता और इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आपके योगदान के लिए धन्यवाद। ये स्थल दरअसल मध्ययुगीन गोदाम की तरह है। संजन चौला, मंदात, सोपारा, तारापुर और विलाह गोवा जैसे स्थानों के पास व्यापारियों और समुद्र यात्रियों के सामान के मलबे बिखरे पड़े हैं। इस मायने में बाओबा समुद्री व्यापार से जुड़े अनजाने पुरातत्विक स्थानों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये उत्तरी और पश्चिमी भारत के आंतरिक इलाकों के उन महत्वपूर्ण व्यापारी रास्तों पर भी जाया जाता है जहां अरब व्यापारी ठहरा करते थे। ऐसा ही एक मध्ययुगीन नगर है मांडू, जो मध्य प्रदेश 1392 से 1562 ईस्वी में मालवा सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। इस मध्ययुगीन शहर में बाओबाब खूब पाए जाते हैं और स्थानीय लोग इसे मांडू की इमली कहते हैं। फलों के मौसम में ठेले वाले फल और इसके गूदे से शरबत बनाकर बेचते हैं।
बाओबाब पेड़ इलाहाबाद में गंगा तट और पश्चिमी घाटों पर दिखाई पड़ते हैं। भारत में बाओबाब का कल्प वृक्ष या वो पेड़ माना जाता है जो मन्नत पूरी करता है। माना जाता है कि इच्छा पूर्ति करने वाला ये वृक्ष देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन से निकला था। हरिवंश पुराण के अनुसार बाओबाब का सिर्फ एक ही पेड़ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है और बाकी पेड़ स्वर्ग में है। इस ग्रंथ के अनुसार पांडवों की मां कुंती ने इस पेड़ के फूल भगवान शिव को दिए थे। माना ये भी जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए ये पेड़ यहाँ लाए थे। बाओबाब के और भी कई नाम हैं, जैसे गुजरात में इसे चोर आमलो इमली का पेड़ कहते हैं क्योंकि चोर इसके ऊपर छुप जाया करते थे। महाराष्ट्र में इसे गोरखा चिंच कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाथ संत गोरखनाथ ने इस पेड़ के नीचे अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी। स्थानीय भाषा में चिंच का अर्थ इमली का पेड़ होता है। भारत में भी आयुर्वेदिक दवा बनाने में इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद में इससे पेचिश और त्वचा में सूजन जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके बीज का तेल त्वचा रोगों के लिए कारगर माना जाता है। अफ्रीका में आज बाओबाब कई लोगों के जीवन यापन का साधन बन गया है और महिलाओं के लिए कमाई का जरिया भी। इसके बीज का इस्तेमाल दवाओं के रूप में हो रहे हैं। इसके फानों सनुमा सुंदर सफ़ेद फूलों की वजह से बगीचों में ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। बाओबाब का विशाल दरख्त हजारों साल जिंदा रहता है और हमेशा फलों से लगा रहता है। शायद इसीलिए ये कल्प वृक्ष यानी जीवनदायिनी वृक्ष है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।